लड़की बोली, ये खाओ मैंने बनाया है। पप्पू, ये उबले समोसे। लड़की, ये मोमोज है, उल्लू के पट्टे। महिला ग्राहक दुकानदार से बोली, भाई साहब एक शीशा चाहिए। दुकानदार बोला, हाथ का शीशा दो। महिला बोली, नहीं मुंह का शीशा चाहिए, हाथों में बिना शीशे के भी देख सकती हूँ। अब दुकानदार बेहोश है। माता पिता अपने बच्चे से, हमारा राजा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? बच्चा, बस इतना समझदार कि 3 साल के बच्चे से ये सपना पूछो। आजकल कुछ लड़के शादी में ऐसा जबरदस्त नागिन डांस करते हैं कि डीजे वाले को भी कहना पड़ता है, अब बस कर भाई, नागमनी लेके मानेगा क्या? बहादुर सिंह नाम का एक आदमी 5 वर्ष से सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दे रहा था। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय किसी बात को लेकर पत्नी से बहस हो गई। बहादुर सिंह को गुस्सा आ गया और वो नाश्ता छोड़कर ही सर्कस चले गया। पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने भी पति को रोका नहीं। शाम को अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। बहादुर सिंह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उसने फैसला किया, आज घर पे नहीं जाऊंगा। इसलिए वो शेर के साथ पिंजरे में ही लेट गया और कंबल तान के सो गया। रात ज्यादा बीत गई तो घर पे पत्नी को चिंता हुई। उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उस समय बहादुर सिंह गहरी नींद सो रहा था। फोन सुना ही नहीं उसने। पत्नी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने कार निकाली और खुद ड्राइव करके सर्कस जा पहुंची तो देखा बहादुर सिंह शेर के पिंजरे में खर्राटे ले रहा है। पत्नी ने छड़ी उठाई और शेर के पिंजरे के पास गई। उसने छड़ी को अपने पति पर चुभोते हुए कहा, डरपोक कहीं के यहाँ छुपे बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है ये शेर तुम्हें मुझसे बचा लेगा? एक झगड़ालू पत्नी पति पर बरस रही थी और वो बेचारा मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। पत्नी बोल रही थी, कायर कही के तुम आदमी हो कि चूहे? पति गिड़गिड़ाया, श्रीमती जी मैं आपका पति हूँ, अगर चूहा होता तो तुम थर थर काँप रही होती। एक सच बात, धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, लेकिन ईश्वर साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।